कटिंग्स को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। हम छोटे छोटे कंटेनर्स का यूज करके भी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें बहुत ही कम कोकोपीट आई हुई है। मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है। आप मिट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं कटिंग के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, तो कटिंग गलती नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं मनी प्लांट लगाऊंगी। मनी प्लांट को कई तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप केवल एक सिंगल लीव से भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने एक शाखा ले ली है। जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग लगाएं तो हेल्दी कटिंग लें, तभी इसका जो अच्छे से चलती है। और देखिए, इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर नोड एरिया होते हैं, यानी ऊपर एक पत्ती और नीचे वहीं से रूट्स निकलती हैं। तो इसको थोड़ी थोड़ी दूरी से कट कर लीजिए और फिर इसको ऐसे ही मिट्टी में लगा देना है। चाहे तो आप मिट्टी में लगा दें या कोकोपीट में। कोकोपीट में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी कटिंग्स चल जाती हैं और उसमें रूट्स क्योंकि पनपने में, उन्हें डेवलप होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और आराम से रूट डेवलप हो जाती हैं। और इसमें बस आपको कटिंग ऐसे इकट्ठी भी लगा सकते हैं सबको एक पॉट में। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप सिंगल लीव से भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग पॉट्स में लगा दीजिए, अलग अलग छोटे छोटे जो कंटेनर हैं उनमें लगा दीजिए और इसके बाद इसमें पानी दीजिए। पानी ऐसा देना है कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, बहुत ज़्यादा नमी हल्की बनी रहे, बहुत ज़्यादा पानी ना हो। तो इस तरह से, वैसे भी छोटे कंटेनर हैं तो पानी जल्दी सूख भी जाएगा। यही एक मेथड होता है छोटे कंटेनर में लगाने का। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा पानी नहीं जाता है, जिससे कि कटिंग गलती नहीं है। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं और देखेंगे कि कुछ दिनों में इनमें रूट बन जाएंगी और फिर आप इन्हें बड़े पॉट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले छोटे में लगाइए और फिर जब आपको लगे कि रूट्स डेवलप हो गई हैं अच्छे से, अपने आप ही शो होता है। क्योंकि एक तो नीचे से और इसके पत्ती आने लग जाती हैं, एक के बाद दो से तीन ऐसे पत्ती आने लग जाती हैं और उसके बाद टाइटनेस रहती है अगर पत्ती में, तो इट मीन्स नीचे रूट्स बन रही हैं। अगर ऊपर पत्ती ढीली सी हो जाती है, लैगी सी हो जाती है, तो इट मीन्स कि नीचे रूट नहीं बनी है, वह गलने लग गई है। तो यही इसकी एक इंडिकेशन होता है जिसे हम पता लगा सकते हैं। और इस तरह से आप इसमें नमी बना के रखें मिट्टी में और हल्का हल्का पानी देते रहें, और जिससे कटिंग खराब भी नहीं होगी और जल्दी से रूट्स भी बन जाएंगे। बस इसे थोड़ा छाया में रखना है, स्टार्टिंग में इसे छाया में रखें और फिर इसके बाद आप इसे हल्की सनलाइट वाली, मतलब जहाँ पर थोड़ी धूप आती है, थोड़ी छाया रहती है, उस जगह पर रख सकते हैं। तो कटिंग बहुत जल्दी चल जाएगी और फिर ये छोटे छोटे सी हमारी कटिंग एक अच्छे पौधे में पनप जाएंगी और फिर इसे आप ट्रांसफ़र करें, लगाएं। थैंक यू।